Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. So in this video we will discuss the topic health hygiene and sanitation. Health hygiene और sanitation का topic हम start कर रहे हैं, ये part second होगा. इससे पहले हमने 15 video upload की है JK SSB examination के लिए. अगर अभी तक आपने वो video नहीं देखी है तो आप उन्हें जरूर देखिए. और health hygiene और sanitation का ये part second है, तो आप कंप्लीट कोर्स करने के लिए बिल्कुल कंप्लीट जो है यहाँ पर जो है आपको हर जो है टॉपिक पढ़ाया जाएगा. टाइम टू टाइम हर कोई टॉपिक जो है पढ़ाया जाएगा. रेगुलर वीडियोस हमने डाली है बिना किसी जो है हॉलीडे के. तो आप जो है पूरा कोर्स करने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन एंड माई एफर्ट्स विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब्सक्राइब द होम एकेडमी यूट्यूब चैनल को, आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है. जैसे ही आप बेल आइकन को दबाएंगे तो आपका आपकी आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी. तो हम अपने टॉपिक को जो है वो कंटिन्यू करेंगे, हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन को. हेल्थ का मीनिंग हम समझ गए थे, हेल्थ किसे बोलते हैं, सेहत को बोलते हैं. हाइजीन क्या होता है, वो साइंस जो हेल्थ से रिलेटेड होती है. और सैनिटेशन हमने पढ़ना है आज की वीडियो में. सैनिटेशन से रिलेटेड हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी जो है करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. सैनिटेशन क्या होता है, सफाई, किस चीज की सफाई. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO है, उन्होंने जो सैनिटेशन की जो है वो डेफिनेशन लिखी है वो कुछ इस तरीके से है. सैनिटेशन रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज एंड सर्विसेज फॉर द सेफ मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्रॉम द टॉयलेट. सैनिटेशन क्या है, वो प्रोविजन, वो फैसिलिटीज पब्लिक को प्रोवाइड करना, वो या तो वो मैनेजमेंट प्रोवाइड करना, वो सर्विसेज प्रोवाइड करना, जिससे जो है ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो भी जो है हाउस होल्ड से गंद आती है, हमारे टॉयलेट से जो भी गंद आती है, इस सारे को जो है वो साफ करना. अगर नहीं किया जाएगा तो हमारा सिटी, हमारा विलेज जो है वहां पर बीमारियां फैल सकती है. तो इसे जो है इसका जो डिस्पोजल है, मेन मकसद क्या है इसका, जो है डिस्पोजल करना. तो आपको याद रहेगा तो इसका डिस्पोजल जो है वो करना होगा यहाँ पर. तो उसी को हम क्या कहते हैं, सैनिटेशन. तो सैनिटेशन जो है इसमें क्या क्या इंक्लूड है. फर्स्ट, सैनिटेशन आल्सो इंक्लूडेड द सेफ मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट. यहाँ पर सॉलिड वेस्ट का सेफ मैनेजमेंट, जो भी आप सॉलिड वेस्ट देखते हैं अपने आसपास, जो आपके किचन का गंद आता है, जो आपके टॉयलेट से गंद आता है, जो भी हर किस्म का गंद जो भी आपको दिखता है, उसका जो है सेफ मैनेजमेंट, उसके अच्छे से मैनेजमेंट करनी है, उसको अच्छी जगह कहीं पर डिस्पोज करना है जिससे बीमारियां नहीं फैलें. और एनिमल के जो भी वेस्ट होते हैं वो भी इसी में जो है वो इनक्लूडेड है. तो हमने देखा जो है सैनिटेशन का जो है वो मेन पर्पज क्या है. सैनिटेशन का मेन पर्पज ये है कि मैनेजमेंट होनी चाहिए. किस चीज की मैनेजमेंट होनी चाहिए, जो हमारा वेस्ट होता है इसको कैसे हम डिस्पोज जो है वो कर सके. तो अगर हम डिस्पोज नहीं करेंगे, इनएडुकेट सैनिटेशन अगर होती है, इट इज अ मेजर कॉज ऑफ इन्फेक्शन डिजीज. इसकी वजह से बहुत सी इन्फेक्शन डिजीजेस होगी अगर हमारी इनएडुकेट सैनिटेशन होती है. अच्छी प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होती है, जरूरत के मुताबिक जो है सैनिटेशन नहीं होती है, तो बहुत सी डिजीजेस हो सकती है, जैसे कि कॉलरा है, टाइफाइड है और डायसेंट्री है. ये जो है पूरी दुनिया में जो है ये बीमारियां फैली हुई है. और किस वजह से होती है, अगर सैनिटेशन प्रॉपर अच्छा नहीं हो. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आप देख जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है होम अकेडमी, लर्न फ्री फ्रॉम होम. मॉक टेस्ट जो है वो भी आपको इसका जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा. लेकिन जब हम सिलेबस जो है 80-90% कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही आपको वो अटेम्प्ट करना है. यहां पर जो है नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने जो पढ़ना है हमारा टॉपिक आज का, इसमें हम कुछ पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं. तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो सैनिटेशन से रिलेटेड एब्रीवेशन है. 10th लेवल की आपकी पोस्ट है तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है एब्रीवेशन भी पूछी जा सकती है. जैसे कि SSS स्टैंड्स फॉर, SSS स्टैंड फॉर स्टेट सैनिटरी स्ट्रेटेजी. तो आप याद रखेंगे SSS की फुल फॉर्म एब्रीवेशन याद रखेंगे. CSP इट स्टैंड्स फॉर सिटी सैनिटेशन प्लान, CSP सिटी सैनिटेशन प्लान. CLTS स्टैंड फॉर कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन. नेक्स्ट इज TSC जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टोटल सैनिटरी कैंपेन. TSC जो है वो टोटल सैनिटरी कैंपेन है.
अब इसी टीएससी का जो है वो नाम जो है इस गवर्नमेंट ने जो है वो चेंज करके जो है निर्भर भारत अभियान रखा है। जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट जो है ये बहुत सी चीजों के इन्होंने नेम जो है वो चेंज किए हैं, तो टीएससी टोटल सैनिटरी कैंपेन का भी जो नाम जो है वो चेंज करके इन्होंने क्या रखा हुआ है, निर्मल भारत अभियान। वाश, वाश की फुल फॉर्म क्या आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाश जैसे कि आप हैंड वाश करते हैं, जो WASH वाश होता है, इसकी फुल फॉर्म है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। वाश की फुल फॉर्म क्या होती है, इट स्टैंड फॉर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। वाश की फुल फॉर्म याद रहे आपको, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। नेक्स्ट इज SSHE, इट स्टैंड फॉर स्कूल सैनिटेशन एंड हाइजीन एजुकेशन, स्कूल सैनिटेशन एंड हाइजीन एजुकेशन। तो ये जो थी कुछ शॉर्ट फॉर्म थी जो कि आपको याद रहनी चाहिए, ये एब्रीवेशन जो है आपको याद होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन भी जो है एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो चलेंगे आज के हम अपने टॉपिक की तरफ, जो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास, विच मिनिस्ट्री इनिशिएटेड द स्वच्छ भारत मिशन, कौन सी वो मिनिस्ट्री है जिन्होंने इनिशिएट किया है क्या स्वच्छ भारत मिशन। तो हम जानते हैं पहला ऑप्शन जो दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वच्छ भारत जो है मिशन है, ऐसा भी सोच सकते हैं कि स्वच्छता से रिलेटेड है, मतलब एनवायरमेंट और फॉरेस्ट जो है उससे रिलेटेड होगा, बट ऐसा नहीं है। किससे रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो याद रहेंगे स्वच्छ भारत मिशन जो है ये किसने इनिशिएट किया है, किसने इसकी शुरुआत की है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। क्वेश्चन नंबर जो है वो टू की तरफ चलेंगे हम, विच अवार्ड इज गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू द सिटीज एंड विलेजेस फॉर क्लीनलीनेस, सफाई के लिए जो है अवार्ड दिया जाता है, इनमें से कौन सा, चारों में से कौन सा वो अवार्ड है। पहला अवार्ड है स्वच्छ पुरस्कार, ऑप्शन बी है स्वच्छता पुरस्कार, ऑप्शन सी है क्लीन रीजन अवार्ड एंड ऑप्शन डी है निर्मल पुरस्कार। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, निर्मल पुरस्कार दिया जाता है सफाई के लिए, इंडियन गवर्नमेंट देती है सिटीज को और विलेजेस को, कौन सा पुरस्कार देती है, निर्मल पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MODWS, MODWS की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ ड्रेनेज वाटर एंड सीवेज, तो आपको पता ही है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रेनेज वाटर एंड सीवेज। ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, तो आपका करेक्ट ऑप्शन भी यही है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो आपको याद रहना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ऑप्शन सी जो दिया मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर थ्री का वो ऑप्शन बी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हेन डिड सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम बिगिन, सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना चाहिए 1986 में, और मैं चाहता हूं कि आपके आप इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़े भी, सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम के बारे में। तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद इसके बारे में आप थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करेंगे गूगल पे, और नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखेंगे सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम के बारे में। क्वेश्चन नंबर फाइव है, ऑन विच डेट इंडिया ऑब्जर्व वर्ल्ड टॉयलेट डे, इंडिया में वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है वो मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है, 19th नवंबर, 25th of July, 15th of September एंड नन ऑफ दीज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपका एग्जाम भी शायद सितंबर के मंथ में अगर हो तो आपको याद रहना चाहिए 15 सितंबर को जो है वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है इंडिया में कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाट इज ओएसएस सिस्टम, ओएसएस सिस्टम जो है उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो याद रहे सिंपल सी एब्रीवेशन है ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम। ओएसएस सिस्टम क्या होता है, ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम, ओवर नहीं होता है, आउट नहीं होता है, ऑन साइट, ऑन साइट जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो याद रहे आपको ओएसएस जो है ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेवन,
वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउस इज कॉल्ड। तो जैसे सैनिटेशन हम पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव जो पढ़ रहे हैं, अब जो भी वेस्ट निकलता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फैक्ट्री से कौन सा वेस्ट आता है, हाउस होल्ड से कौन सा वेस्ट होता है, या दूसरे सोर्सेज से कौन सा वेस्ट निकलता है। तो ऐसा वेस्ट जो घरों से निकलता है, वेस्ट वाटर जो होता है घरों से निकलता है, हमारे किचन से निकलता है, जो भी रिलीज होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेवेज कहते हैं। वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाई हाउसेज इज कॉल्ड सेवेज। तो अगर हम स्लज की बात करेंगे, स्लज किसे कहते हैं, स्लज जो होता है, कीचड़ जो होता है उसे हम स्लज कहते हैं। ये प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी। जैसे आप नालियों में देखते हैं जो कीचड़ जमा हो जाता है, तो इससे जो है, और नन ऑफ दिस अगला ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका सेवेज जो होगा वो वेस्ट वाटर होता है जो कि घरों से निकलता है, उसे हम सेवेज कहते हैं। अब जो डिपॉजिट होता रहता है नालियों में गंद, कोई सेडिमेंट है, मिट्टी जमा हो गई, रेत जमा होगी, बाकी का मटेरियल जमा हो गया, तो ये जो है उसे हम स्लज कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ड्राइड डैश डैश इज यूज्ड एज अ मैन्यूअर। तो यही जो स्लज होता है, जब इसको हम सुखाया जाता है, इस कीचड़ को, जो चीकड़ जो हम निकालते हैं, नालियों के साइड में रखा जाता है, निकाल कर इसे सुखाने के बाद जो है हम इसे स्लज के तौर पे जो है, इसे हम मैन्यूअर के तौर पे जो है यूज कर सकते हैं। तो जो स्लज है, जो स्लज होता है, जब ये सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, इसको हम यूज करते हैं एज अ मैन्यूअर जो है, हम इसे यूज करते हैं। तो होपफुली जो है वो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन होंगे। आगे हम चल लेते हैं, अगला टॉपिक जो है हमारा, अगला क्वेश्चन है सॉरी। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। आप देख लीजिए, अब सैनिटेशन जो है इसी का जो है ये काम है कि जो हमारे घरों तक पानी आता है, उस पानी को जो है वो साफ करके हमें घरों तक पहुंचाए, उनमें से जो भी जर्म्स है वगैरह है, उन जर्म्स को जो है वो मारा जाए। तो इसके लिए हम जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं। आपके जो है मोहल्ले में भी जो है, आपके एरिया में भी जो होगा वो फिल्टर प्लांट होते हैं। तो ऐसे एरियाज भी जो है जहाँ पर पानी जो है वो साफ नहीं होता है, वहां पर जो है वो उसी वेस्ट वाटर जो है उसी को साफ किया जाता है। इवन जो है ह्यूमन एस्क्रीटा जिसमें होता है, उस पानी को भी साफ करके जो है लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर सैनिटेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इसे जरा ध्यान से पढ़ना। वेस्ट वाटर जो है ट्रीटमेंट को, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को आप जरूर जो है पढ़ेंगे। तो एक्चुअली में जो है वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट है, ये पूरा का पूरा जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम पानी के जो है ट्रीटमेंट करते हैं। और बहुत से जो है ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट जो है बड़े बड़े शहरों में जो है बने होते हैं, और हमारे यहाँ पर भी जो है छोटे फिल्टर प्लांट बने होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, विच प्रोसेस ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हेल्प्स इन किलिंग जर्म्स। अब जो भी वेस्ट वाटर होता है उसके अंदर जर्म्स भी होंगे, उसके अंदर ह्यूमन एस्क्रीटा भी होगा, उसके अंदर डर्ट भी होगी, उसके अंदर जो है बाकी जो है इनसॉल्युबल मटेरियल्स भी होंगे। तो इसको जो है, इसकी जो है प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है। तो इसमें जो है हम कौन सा, इसमें बहुत से प्रोसेसेस होते हैं इसमें, जैसे कि फेज सेपरेशन हम किया जाता है इसमें। सबसे पहले सेडिमेंटेशन, फिर फिल्ट्रेशन इसकी, फिर ऑक्सीडेशन की जाती है, फिर बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन की जाती है, केमिकल ऑक्सीडेशन की जाती है, पॉलिशिंग की जाती है। तो वेस्ट वाटर जो है ट्रीटमेंट प्लांट जो है, इसे स्विच ट्रीटमेंट प्लांट भी कहा जाता है, टेरिशरी ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, इंडस्ट्री से जो वाटर निकलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाए जाते हैं। तो बहुत से इस तरीके के जो है वो प्लांट होते हैं। एग्रीकल्चर जो है, खेतों से जो पानी आता है, एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाए जाते हैं। तो इसी तरीके से जो है आपको याद रखने होंगे। तो हमारे पास जो है ऐसा प्रोसेस जो है, जो हम फेजेस में इसे वाटर को जो है सॉल्व करते हैं, जो जर्म्स जो है होते हैं, जर्म्स जैसे हमने पढ़े थे जर्म्स लास्ट वीडियो में, फंजे, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, ये जो जर्म्स होते हैं, वायरसेस भी होते हैं, तो इन्हें जो मारने के लिए जो है यूज किया जाता है, उसमें किस टेक्निक का यूज किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन कहा जाता है। तो याद रहेगा आपको, क्लोरीनेशन जो है हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में करते हैं। क्यों करते हैं, के फॉर किलिंग द जर्म्स, हम जो है जर्म्स को मारने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है एरेशन के बारे में। तो एरेशन ऑफ वेस्ट वाटर ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रिमूव्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो एरेशन का प्रोसेस होता है, जैसे यहाँ पर भी आपको एरेशन दिख रहा है, अब एरेशन भी एक प्रोसेस होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में।
इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो ह्यूमन वेस्ट होता है, जो ह्यूमन का वेस्ट होता है, एक्सक्रीटा होता है या ऐसी चीजें होती है, एरेशन के प्रोसेस से जो है हम उसे अलग कर लेते हैं पानी से और पानी को जो है प्योर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको याद रहे, आपको क्लोरीनेशन का क्या पर्पज होता है, फॉर किलिंग द जर्म्स को मारना, एरेशन का क्या काम होता है, ह्यूमन वेस्ट को जो है अलग करना। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, विच प्रोसेस ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हेल्प्स टू रिमूव द डर्ट एंड सैंड। अब जो पानी होता है, वेस्ट वाटर जो होता है, उसके अंदर जो है डर्ट भी होती है, उसके अंदर सैंड भी होती है, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है जिससे हम ये डर्ट और सैंड को जो है वो रिमूव करें, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। तो याद रहे, सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जिसकी मदद से हम क्या क्या काम करते हैं, डर्ट को रिमूव करते हैं, हम सैंड को भी रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सैनिटेशन इज द मीन्स ऑफ प्रोमोटिंग हेल्थ। सैनिटेशन क्या है, ये जो सैनिटेशन है ये क्या है, मीन्स ऑफ प्रोमोटिंग हेल्थ। यहाँ पर हम अपनी हेल्थ को जो है प्रमोट करते हैं थ्रू प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन कंटेंट विद द हैजार्ड ऑफ वेस्ट। तो सैनिटेशन इज अ डैश डैश जो है पूछा जा रहा है, इट इज अ मीन्स ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ थ्रू प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन कंटेक्ट विद द हैजार्ड ऑफ वेस्ट। तो क्या होगा, हाइजेनिक होगा, सैनिटेशन इज द हाइजेनिक मीन्स। तो कौन सा मोड है ये, हाइजेनिक मीन्स ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ थ्रू द प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन कॉन्टेक्ट विद द हैजार्ड ऑफ वेस्ट, मतलब जो है ये साइंटिफिक जो है मीन्स ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर डैश डैश इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन हेल्थ बाई प्रोवाइडिंग अ क्लीन एनवायरमेंट एंड ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ डिजीज। तो पूछा गया है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश डैश, तो नीचे बहुत से सिस्टम दिए गए हैं, ड्रेनेज सिस्टम, फ्लश सिस्टम, सैनिटरी सिस्टम, टॉयलेट सिस्टम, तो ये किसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करनी है ह्यूमन हेल्थ बाई प्रोवाइडिंग अ क्लीन एनवायरमेंट, कि हमें क्लीन एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करना है एंड ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ द डिजीज, और जो भी डिजीज का साइकिल है उसे भी जो हमें ब्रेक करना है, और इसके बारे में हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं पहले ही, वो क्या है, सैनिटरी सिस्टम है। तो सैनिटरी सिस्टम का ही मेन पर्पस क्या होता है, सैनिटरी सिस्टम का जो है वो मेन पर्पस होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट भी करना है, ह्यूमन हेल्थ को जो है वो प्रमोट भी करना है, एक क्लीन एनवायरनमेंट भी देना है, और जो साइकिल ऑफ डिजीज है उसे भी जो है वो खत्म करना है। तो आपका आंसर क्या होगा, सैनिटरी सिस्टम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच एजेंसी हैंडल्स ग्लोबल हेल्थ इश्यूज। वो कौन सी एजेंसी है जो कि क्या करती है, हैंडल करती है ग्लोबल हेल्थ इशू, और इस पे आपका क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली बनेगा इस बार, क्योंकि जो है कोरोना वायरस की वजह से जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफी न्यूज में रही है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है किसी ना किसी तरीके से जो है इसके बारे में आपको पूछा जाएगा। क्या क्या पूछ सकते हैं इसके बारे में, पहले आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, विच एजेंसी हैंडल्स ग्लोबल हेल्थ इश्यूज, वो कौन सी एजेंसी है जो कौन से इश्यूज जो है वो हैंडल करती है, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज, ग्लोबल लेवल पे जो हेल्थ इश्यू है वो हैंडल करती है, तो वो है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WHO कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या काम करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ग्लोबल लेवल पे जो है हेल्थ इश्यू को जो है वो हैंडल करती है। तो आपको याद रखना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये स्पेशलाइज एजेंसी है, किसकी, यूनाइटेड नेशन की जो है वो स्पेशलाइज एजेंसी है, UNO की जो है स्पेशलाइज जो है एजेंसी है, और ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जो जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। आपको ये भी पता होना चाहिए फॉर्मेशन कब जो बनाई गई है, 7 अप्रैल को जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है 7 अप्रैल को जो है वो बनाई गई है, 1948 में बनाई गई, तकरीबन आज से जो है 72 साल पहले जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई है। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, WHO जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, कब बनाई गई है, 7 अप्रैल 1948 में, आज से तकरीबन 72 साल पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, यूनाइटेड नेशन की जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की,
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और आप नीचे कमेंट सेक्शन में अभी हम यहाँ पर लिखेंगे इनके हेड कौन है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड कौन है, यानी कि इनके डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन है, आप ये जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, तो तभी पता चलता है बच्चे जो है वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द रीजन फॉर ड्राइंग योर हैंड्स आफ्टर वॉशिंग देम। जब कभी बच्चों आप हाथ धोते हो, और हाथ धोने के बाद हम हमेशा अपने हाथ जो है वो सुखाते हैं, मतलब किसी टॉवल से सुखाते हैं या किसी और तरीके से जो हम सुखाते हैं, हम तो नेचुरली सिखाते हैं, बट ये करना जो है वो अच्छा होता है, क्यों अच्छा होता है यही पूछा है, तो इसका जो है रीजन क्या है, हम क्यों हाथ सुखाते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, सो डैट यू डू नॉट ड्रिंक वाटर एवरीवेयर, यू डू नॉट ड्रिंक वाटर एवरीवेयर, अजीब सा ऑप्शन जो है वो दिया गया है। अगला ऑप्शन है, बिकॉज जर्म्स एंड बैक्टीरिया आर मोर इजिली स्प्रेड विद वेट हैंड, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो गीले हाथ रखते हैं उसकी वजह से जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो आसानी से जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं, इसलिए जो है आपको अपने हाथ जो है वो धोने होते हैं, धोने के बाद जो है वो सुखाना जो है वो जरूरी होता है, किसी भी टॉवल से सुखा लिया करें, अगर आप नहीं सुखाते तो अब से जो है वो जरूर सुखाइए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज, तो वो कौन सा सिंगल जो है इफेक्टिव वे है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज को रोकने के लिए, जैसे आज भी जो है एक बीमारी फैली हुई है कोरोना वायरस, और आज भी हम क्या कहते हैं अगर यही क्वेश्चन जो है आ गया आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड, व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज लाइक कोरोना वायरस, तो क्या एंटीबायोटिक्स है, अभी तक तो एंटीबायोटिक उनके लिए बनी नहीं है, तो क्या है, हैंड वॉशिंग विद वाटर ओनली और हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर, तो आपको करेक्ट ऑप्शन यही होगा, ऑप्शन सी, हैंड वॉश करना ही जो है वही एक बेस्ट तरीका है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज को रोकने का, बट वो हैंड जो वॉश करने हैं विद द हेल्प ऑफ सोप एंड विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो बच्चों जो है इस वीडियो में जो है इतना ही, यहाँ पर हमने 16 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए, इससे पहले भी हमने 10 क्वेश्चन पहले पार्ट में कंप्लीट किए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखिए। हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन पे पहले हमने जो है एक पार्ट जो है डिस्कस किया था, जिसमें हमने हाइजीन के बारे में डिस्कस किया था, आज सैनिटरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हैं, अभी भी स्टॉपिंग में बहुत कुछ बाकी है, अभी हमने हेल्थ पे भी क्वेश्चन जो है डिस्कस करने हैं। आप बने रहे हमारे साथ, यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना जो है वो ना भूले, और साथ ही जो है हमारे फेसबुक पेज पे जो है वो जरूर जुड़े रहें, फेसबुक पेज पे जो है वो जरूर जुड़े रहे। आपको मॉक टेस्ट भी जेके एसएसपी के लिए जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पर मॉक टेस्ट भी जो है वो आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए, बट वो कब होगा, जब आपका सिलेबस जो है कुछ कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सिंपली कॉपी पेस्ट करके तो बनाना नहीं है, जो भी रिसेंट जो करंट अफेयर्स है उन्हें भी इंक्लूड करना होगा, और अच्छी क्वेश्चंस जो है हम आपके लिए लेके आएंगे, तो आपको जो है फेसबुक पेज पे जो है वो जुड़ना है हमारे से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, और अब जो है हम हिस्ट्री पे जो है वीडियोस भी जो है वो स्टार्ट कर देंगे, आपको जिसकी पहले वीडियो चाहिए आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमने मैथ पे जो है 10 से 12 वीडियोस जो है वो अपलोड कर ली है, मैथ का आपके जेके एसएसबी एसएसबी के लिए जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग, रीजनिंग पे भी जो है वीडियो, और अब हम जनरल अवेयरनेस पे भी शुरू कर रहे हैं, तो इसके बाद जो है इंग्लिश भी जो है जल्दी स्टार्ट की जाएगी, हम चाहे तो एक दिन में 2 वीडियोस भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं, अभी बहुत टाइम है आपके एग्जामिनेशन को, एक एक वीडियो जो है आपके लिए सफिशियंट है, आप इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल रियली अप्रिशिएट यू इफ यू विल सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन अस ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम पेज। Have a great day, and I hope this was a beneficial video for all of you.